असलम एंड हेलो वीवर्स कैसे हैं आप सब आई होप यूर आरफिन अल्लाह सब को खुश रखे और सलामत रखे तो ईद के बाद आज मैं फाइनली जो है व्लॉग आप सभी के लिए शूट कर रहा हूँ आप सभी को पता होगा तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी बट अलहमद्ला अब बहुत इम्प्रोमेंट हो चुकी है पहले से अभी भी थोड़ी तबीयत ख़राब है खांसी एक्स्ट्रा भी, भी आ रही है ये पहली ईद रही है मतलब मुझे लगता है इतने सालों में जब मतलब मैंने ईद देखी भी नहीं है बहुत ही ज़्यादा बीमार थे तो खैर ये सब अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है इसमें भी शुक्र पढ़ना चाहिए कुछ अच्छा ही होगा इसमें भी तो आज सुबह से मैं घर पे ही था तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग भी आप सभी के लिए डाल देते हैं अब मैं बाहर जा रहा हूँ तो व्लॉग भी एक डाल देता है आज कोई प्लान नहीं है फ़िलहाल शॉप जाने का मतलब मैं कभी भी शॉप पर जाता हूँ आप सबको पता होगा वहाँ पापा होते हैं तो बाकी जो फ्री टाइम मेरा रहता है मैं तब शॉप पे जाता हूँ अब देख सकते हैं यहाँ पे हेयर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब मैसी हो गया है थोड़ी बहुत बालों की सेटिंग भी करते है और देखते हैं आज का डे कैसा रहता है आई होप इनशाला आज का डे ठीक ही रहे इस साल में बहुत कुछ देखा इनशाला होप करते हैं ये साल जो है टू अच्छा निकले सब लिए इनशाला और और जिनके अपने इस दुनिया से जो है चले गए उनको अल्लाह जन्तुल्फरदोस अता करे इस साल में बहुत कुछ हुआ आप सभी को पता होगा हमारे भाई भी जो है दूसरे मल्क में वो भी बहुत सफ़र कर रहे हैं और पे आप सभी को पता होगा हर रोज़ कुछ ना कुछ न्यूज़ आती रहती है अल्लाह हम सब को जो है हर किसी परेशानी से दूर रखे तो यहाँ पे मैं नीचे जाने वाला था मुझे शूज़ पर नज़र पड़ी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये शूज़ मैंने ईद से पहले ऑर्डर करवाए थे मैंने सोचा था ईद पे लगाऊंगा ये मैंने शॉप से ही बाई किया था और ये जो है ये शूज़ ये मैंने मिंत्रा से लाया था इस पर सिक्सटी का डिस्काउंट था एक ये खाली फिफ्टीन हंड्रेड का पड़ा था मुझे पसंद आ गया था खैर ये नसीब में लगाना नहीं था क्या ये कर सकते थे इसको रहने देता है फिलहाल यही पे लाइफ अनएक्सपेक्टेड है कभी भी कुछ भी हो सकता है इसीलिए जो दिन अच्छा गुजरे अच्छे से गुजारो मेरा मानना यही है कल का पता नहीं कब क्या हो जाए <coughs> <coughs> मुझे खांसी अभी भी आ रही है और कोट अभी भी खराब है खैर इनको बंधे रखते हैं फिलहाल नीचे जो शूज़ पड़े है वो ये लगाते हैं कल परसों लगाएंगे तो निकलता है निकलने से पहले आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ मेरा एक डिवाइस है वन प्लस सेवन का आपको दिखाता हूँ इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है ऑलमोस्ट ये देख सकते हैं आप स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें ये जो है डिम लाइट हो रही है कंटिन्यूसली जो है लाइट uh, स्क्रीन जो है देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कुछ शेडो आ रही है यहाँ तक हालांकि ये डिवाइस नया है मतलब सही चल रहा था इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही बट अचानक से इसमें ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई इसको अब बहुत टाइम हो गया इस प्रॉब्लम को स्टार्ट होते हुए अब ये कंटिन्यूसली चलता रहता है बट जैसे ही हीट देता है बहुत ज़्यादा मतलब धूप में अगर रखेंगे मैंने इसमें आजमाया है विंटर्स में ज़्यादा हो जाता है हालांकि अभी विंटर्स नहीं है विंटर्स जब थी तब ज़्यादा हो रहा था इसमें अब समर्स आ रहा है अब कम होती जा रही है इसमें प्रॉब्लम ये मुझे बताएगा कोई ये क्यों प्रॉब्लम हो रही है डिवाइस में डिस्प्ले एक्स्ट्रा ओके है सारा कुछ ओके है वन प्लस का डिवाइस है जो भी यूज़र वन प्लस यूज़ कर रहा है अगर किसी को पता होगा जो कि मोबाइल मतलब रिपेयर एक्स्ट्रा करता है कोई व्यूवर देख रहा होगा वो मुझे कमेंट कर सकता है इसका क्या इलाज है इसका डिस्प्ले प्रो इसको डिस्प्ले प्रॉब्लम या और कुछ प्रॉब्लम है एडेप्टिव ब्राइटनेस एक्स्ट्रा जो है ऑलरेडी बंद है ऑटोमेटिक जो रहती है ब्राइटनेस उसका भी कनेक्शन नहीं है ये देख सकते हैं आप डिमिंग कुछ हो रही है इसमें कंटिन्यूसली खैर रहने देते हैं अगर किसी को पता होगी तो ज़रूर कमेंट में बताना चलिए चलते हैं नीचे या तो लाइट्स ऑफ करता है बिल्ली को मुझे लगता है भूख लगी है इसको कुछ देते हैं देखते हैं क्या रहता है इसको खाली केक ये खाली केक ज़्यादा खाती है बट अभी केक खत्म हो चुका है यहाँ बादाम जूस है ये दे देते है क्योंकि यहाँ पे सभी बीमार है घर में कोई पिएगा नहीं पापा और मैं पीता हूँ मामा पीती भी नहीं है वैसे तो एक से दे देता हूँ तो भी एक इस टाइम पर पाँच छः इकट्ठे आती हैं किधर गई बाइक के नीचे है आजा 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 इसमें डाल देता हूँ देखो आई आजा 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 वेट कर वेट कर अब पीनी चाहिए पता नहीं ये पीएगी पहले थोड़ा बहुत देखते हैं पीएगी क्या नहीं आजा, देखते है पी कि हाँ पी रही है उसको पता होती है गंदा खाना कौन है और साफ क्या है वैसे बिलिया जो है बिलिया घर में होनी चाहिए और बिलिया सबसे जो है पाक पता ही है पाक एनमल है इस्लाम में भी है और डाल देता हूँ ले ले पी ले अब तो सारा पी ले आराम से बाइक को मैं उठाता हूँ ये ऐसा डस्ट बहुत परसों जो है बारिश पड़ गई थी उस वजह से जो है बाइक की हालात भी ख़राब हो गई थी वूव तो भी आज अच्छी खासी है बट बर भरोसा नहीं है मौसम का कश्मीर में कुछ भी हो सकता है फ़िलहाल बाइक में थोड़ा पॉलिश डालेंगे उसके बाद निकलता है पहले उसको साफ़ करेंगे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा धूल चढ़ गई है आप देख पा रहे होंगे बारिश से होती है बाइक ख़राब यहाँ से जो है इसको हैंडल गार्ड एक मैंने लगाया था ये भी टूट गया बच्चा एक चढ़ा छोटा बच्चा तो उस वजह से बाइक गिर गई हैंडल गार्ड में ही लगी बट बच्चों को क्या ही बोले अब बाइक को कुछ टाइम तक कोल्ड स्टार्ट रहने देते हैं उसके बाद जो है उसके बाद निकलते हैं तो यहाँ पे पहले मुनासि लगाता है क्योंकि बाहर जो है बाहर कंस्ट्रक्शन चल रही है रोड की धूल बहुत ही ज़्यादा है तो ऊपर से आपको पता है कश्मीर में कोई भी काम होगा वन मंथ के बजाय सिक्स मंथस लगता है तो अभी मैंने फ़िलहाल कोई कैमरा नहीं लगाया ना ही हेलमेट फ़िलहाल लगाई है क्योंकि पास में ही जाना है पहले मैं बाइक में दो तीन चीज़ें जो है ठीक करनी है बाइक में मिस्त्री के पास को चेन लूबिंग करनी है और फिल्टर एक्स्ट्रा चेंज करना है दो तीन चीज़ें एक्सीटर भी है ठीक से भी पकड़ नहीं रही है पता ही नहीं क्या हो गया पिछली बार ये भी ठीक कराई थी तो मिलता है डायरेक्ट वहीं पर आपसे फाइनल ही तो। मैं पहुंच गया मिस्त्री के पास लेता तो मैं उधर उस साइड से बट इस बार यही आए वो बंद था और वहाँ से बहुत ज़्यादा धूल है खैर इसके नसीब में ही था पहले दिखाते हैं उसको क्या रहता है बाइक भाई का बाइक में अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम आ जाती है ना मुझे टेंशन हो जाती है पहले मैं फिर ठीक ही कराता हूँ उसके बाद बाइक चलाता हूँ चेन लूबिंग भी करनी है इसमें फिल्टर एक्स्ट्रा सब कुछ चेंज पिछला वाला जो है मट गट भी खटकता है यहाँ से और भी दो तीन प्रॉब्लम्स आ रही है ठीक से चल ही नहीं पा रही है बाइक ऊपर से यहाँ इतनी धूल है ना उस सड़क से इतनी ज़्यादा धूल है फिलहाल देखते हैं कितना टाइम लगता है उसके बाद आपसे बात करते हैं तो आप आप ख़ुद देखो अपने हिसाब से मुझे लगता है उसको जितनी प्रॉब्लम है उसको शायद इसमें आ रही है पिछले वाले सस्पेंशन में ज़्यादातर प्रॉब्लम आ रही है इसमें और सामने की डिस्क ब्रेक भी ठीक से काम नहीं कर रही है इसमें A few तो गैस फाइनली यहाँ पे मैं घर भी आ चुका हूँ मिस्त्री के बाद डायरेक्टली मैं घर भी आ गया क्योंकि मिस्त्री के पास ऑलमोस्ट टू थ्री आवर्स लग गए फिर मैंने व्लाग कोई शूट नहीं किया बहुत टाइम लगा वहाँ पे बाइक में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ चुकी थी फाइनली अब बाइक भी ठीक हो चुकी है अब जाता है सलून थोड़ी बहुत हेयर की सेटिंग भी करता है तो आज का व्लाग थोड़ा बोरिंग ही था इनशाला कोशिश करूंगा अब मैं आपसे जितने भी व्लॉग्स आएंगे या वीडियोज़ आएंगे वो बेटर ही आएंगे इनशाला बहुत सारे व्यूवर्स को पता होगा आप में से मेरी एक चैनल भी हुआ करती थी एम बी के नाम से दो तीन इयर्स पहले वो फिर हैक हो गई उस पर जो व्लॉग्स में डाला करता था मुझे लगता है आज के कम्पेरिज़न में मुझे खुद भी लगता है आज के कम्पेरिज़न में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते थे क्योंकि उस पर मैं कम्युनिकेट ठीक से कर पा रहा था बट आज मैं ठीक से कम्युनिकेट कर नहीं पा रहा हूँ डोंट नो क्यों शायद फ़ोन फोबिया हो गया या और भी रीज़न्स कुछ हो सकते हैं मेरी चैनल एक्चुअली हैक हो गई थी फिर मैंने बहुत टाइम बाद जो है वीडियो स्टार्ट किया हालांकि अब इस चैनल पे भी मुझे और अभी पेज पे भी मुझे दबकदारी ऑलमोस्ट वन ईयर टू ईयर तो हो ही गया बट जो ब्रेक ली उससे हो जाता है और बहुत फ़र्क पड़ी उससे डिफरेंस बहुत आई खैर अब आज के ब्लॉग में आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा इन शाला मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक सभी लोग दुआ में याद रखना तो तब तक के लिए अल्लाह